गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हमने एसएससी फर्स्ट ईयर विषय गणित यूनिट सेकंड गणित का सीखना शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण विधि के अंतर्गत आगमन विधि का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम पूर्व में आपको आगमन विधि की प्रक्रिया के अंतर्गत आगमन विधि के जो पद थे वो उदाहरण निरीक्षण नियमीकरण परीक्षण ये चार उसके पद के रूप में आपको अध्ययन कर सकते हैं। आज उस आगमन विधि की प्रक्रिया के अंतर्गत तीन सवाल दिए गए, उन सवालों से अपने दिन की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर नंबर वन 500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज 4% की दर से ज्ञात कीजिए। एक के नियम द्वारा चूंकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपये, वहीं चूंकि 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये, चूँकि 500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज 4 × 100 × 4 × 500, जिसका सूत्र है दर इंटू समय विभाजित 100। ये इस सवाल का सारांश है, जिसमें यह बताया जिसके अंदर हमें क्या ध्यान करना है, 500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज 4% की दर से ज्ञात करना, वही एक ही नियम द्वारा इस सवाल का हल प्राप्त करना है, जिसके अंदर चूँकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपये है, तो चूँकि 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 4%, वही चूँकि 500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज 4 × 100 × 4 × 500 = 100, तो ब्याज क्या करेगा सूत्र है दर इंटू समय इंटू मूलधन भाजक 100। ये पहला सवाल है जिसके अंतर्गत हमने आपको निश्चित संख्या दिया है। वहीं दूसरा सवाल है ₹1,000 का 4 वर्ष का ब्याज 2% की दर से ज्ञात करो। एक एक नियम से 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 2 रुपये, तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 2 रुपये 2,500, तो 1,000 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज 2/100 × 4/1000, दो इंटू चार अपन हजार। वही इसका सूत्र है ये दूसरा सवाल है जो हमने आपको पूर्ण पर बदल दिया। वही तीसरा सवाल है 600 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज 6% की दर से ज्ञात कीजिए। 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 6 रुपये, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 6/100, वही 600 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज
6×5=600 है। सो इस प्रकार ब्याज दर ज्ञात करने का सूत्र दर इनटू समय ₹100 है। तो आज हम पूर्ण रूप में इन तीन उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं कि साधारण ब्याज दर ज्ञात करने का सूत्र दर इनटू समय इनटू मूलधन भाजक 100 है। इन तीन उदाहरण से हमें साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र का पता चला है। आज उतना ही। आज हम पूर्ण रूप में आगमन विधि का अध्ययन कर चुके हैं। कल हम निगमन विधि से अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार।